मुंबई के अक्सा बीच पर ब्रजेश सिंह द्वारा आयोजित छठ पूजा समारोह में हजारों श्रद्धालु सहभागी हुए। प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष और महाराष्ट्र में भाजपा नेता, महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय मोर्चा के महासचिव ब्रजेश सिंह ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर मलाड के अक्सा तट पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। मुंबई के अक्सा बीच पर ब्रजेश सिंह द्वारा आयोजित छठ पूजा समारोह में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। भाजपा नेता ब्रजेश सिंह द्वारा आयोजित शुभ छठ पूजा समारोह का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु अक्सा तट पर एकत्रित हुए। अपनी भक्ति के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने, सम्मानजनक स्वागत के लिए जल अर्पित करने के बाद भक्तों ने प्रयास फाउंडेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जश्न मनाया। ब्रजेश सिंह मलाड मालवनी के निवासियों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने मलाड निवासियों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया और इन सभी वर्षों में अपने क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक कार्य किए। यही कारण था कि ब्रजेश सिंह और उनकी टीम द्वारा आयोजित छठ पूजा समारोह का जश्न मनाने के लिए हजारों भक्त अक्सा समुद्र तट पर एकत्रित हुए। प्रयास फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहूँगा। मलाड के अक्सा बीच में इतना अच्छा, जानवर और शानदार कार्यक्रम का आयोजन करना, हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारी बहनें इस कार्यक्रम के लिए आई हुई है, गत अनेक वर्षों से आ रही है। हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रयास फाउंडेशन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विशेष करके ब्रजेश सिंह, गणेश कनकर, इन सारे लोगों को भगवान अच्छी बुद्धि दे, ताकि आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से हम हमारे भारत देश के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए हमारी जो विरासत है, हमारी ये पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है, उसको बरकरार रखने का काम हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। निरंतर ही जनता की सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना और जिस तरह से कुछ भी, कोई भी ऐसा देश पर, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, गणेश पूजा हो या फिर छठ पूजा, जिस तरह से जनता के लिए खड़े रहते हैं, विजय से लगातार उन्हें क्या देना चाहिए? जनता ने मुझे खड़ा किया है तो जनता के साथ में खड़ा रहना ये मेरा फर्ज बनता है। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना लंबे समय तक साथ दिया है। इतिहास को अगर आप उसका आकलन करेंगे तो मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो बहुत ही गरीबी से आया, बिगर पैसे से राजनीति कर रहा हूं, और ये बिगर पैसे से राजनीति करना इन दिनों में संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें जब साथ और सहयोग देते हैं तब यह होता है। तो मैं कम से कम अपना तन भी अगर निछावर नहीं करूं तो फिर ये अन्याय होगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं कार्यकर्ताओं के साथ बिताऊं। जहां पर भी छोटा छोटा कार्यक्रम का भी आयोजन होता है तो वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं का और भक्तजनों का मनोबल बढ़ाओ, ये प्रयास मैं करते रहता हूं और आने वाले दिनों में भी करता रहूंगा। यहां पर बीजेपी की सरकार है, जो भक्ति रूप आप देख पा रहे हैं, जगह जगह हर जगह निश्चित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी का हम अभिनंदन करेंगे। ये सब प्रेरणा तो ऊपर से आती है, ऊपर से आने पहले तो भगवान प्रेरणा देते हैं, उसके बाद में हमारे भगवान रूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा देते हैं और ये होते 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 नीचे तक आ जाता है। ये सबका एक ज्वाइंट वेंचर ऐसा मैं मानूंगा और हम सबको काम करने के लिए निश्चित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा करते हैं। हम सबका ये दायित्व बनता है कि उनके आदेश का हम पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। 12 साल से हम लोग यहाँ पर छठ की मैया का यह पर्व हर साल मना रहे हैं और दिन पर दिन हर साल या जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ते ही जा रही है, इसलिए व्यवस्थाओं में भी हम लोग बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इस बार आज आप देख रहे हैं कि छठ की मैया का पर्व भी है और वहाँ पर अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल भी है। लेकिन छठ की मैया का जो ये आप घाट पर आप भीड़ देखेंगे जगह जगह, तो आपको पता चलेगा कि भक्तों की भीड़ कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये भक्त भी यह सोचकर किसी के मन में अगर जरा असमंजस होगा कि क्रिकेट का मैच देखेंगे घाट पर जाएं, तो वो घाट पर आए हैं, लेकिन उनका जो है घाट पर आने के बाद में क्रिकेट देखने का भी मनोकामना पूर्ण हो रही है। यहाँ पर हम लोग ने क्रिकेट देखने की व्यवस्था LED पर लगाई हुई है और भक्ति भाव के साथ में क्रिकेट का मैच भी लोग देखेंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग ने की है। सर, मोदी जी भी देखने गए हैं मैच को? देखिए, मोदी जी तो विश्व का विजय कर चुके हैं और उनको पूरा विश्व अपना नेता मान चुका है, इसलिए यह जो है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप है यानी विश्व कप है,
तो विश्व कप में विश्व का नेता तो जाएगा ही जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे आप आज जो छठी मैया पूजा करने आएंगे? लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि जो आपकी भावना है छठी मैया के प्रति, आपने जो व्रत रखा है, जिस विश्वास से आप आस्था से रखते हो, तो आपको छठी मैया जरूर आशीर्वाद देगी। और भारत की तो पूरे विश्व में उन्नति हो ही रही है, साथ साथ में आप सभी की मनोकामनाएं छठी मैया पूर्ण करेगी। आप जिस तप और बल से आप व्रत रखते हो, छठी मैया आपको जरूर आशीर्वाद देगी। सर, ये पर्व बिहार से होते हुए पूरे भारत में होते हुए पूरे विश्व में आजकल मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत तो अपना भारत की तो यही कहना है कि वसुधैव कुटुम्बकम, तो बिहार का है या उत्तर प्रदेश का या पंजाब का, ऐसा हम लोग तो नहीं बोलते। भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से तो अपनी लोकल मान्यताओं के हिसाब से लोग मनाते हैं, लेकिन आज तो पूरा देश हर जगह बसा हुआ है। जैसे ये महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि यानी संतों की भूमि है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पूरे देश के लोग बसते हैं, इसीलिए शायद इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा है कि पूरे देश के हर एक प्रांत का आपको नागरिक यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र में हर त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वह छठ पूजा हो, चाहे और कोई भी त्यौहार हो, लोहड़ी हो, कोई भी देश का किसी भी प्रांत का त्यौहार हो, तो महाराष्ट्र में जरूर मनाया जाता है। सर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होते हुए भी यहाँ पर जो भीड़ देखी गई है, हर साल से ज्यादा भीड़ लग रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, भक्ति के आगे कोई चीज चलती नहीं है, ये भक्ति की भीड़ है। और जो क्रिकेट मैच की भीड़ है वो तो है ही है, उसमें भी पूरे देश से लोग गए हुए हैं, लेकिन ये भक्ति की भीड़ है, इसका और उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये आस्था का पर्व है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय।